आजकल ना दिल्ली के ट्रैफिक से मैं तो क्या सब परेशान है, बिकॉज जब हम सुबह सुबह ना मॉर्निंग में अपने काम के लिए निकलते हैं, दिल्ली जैसे शहर में इतना ट्रैफिक का हमें सामना करना पड़ता है कि हम हमेशा ऑफिस में लेट पहुंचते हैं, और ऑफिस में पहुंचने के बाद कितना सारा डांट सुनने को मिलता है हमारे बॉस से। तो इस सारे टेंशन का छुटकारा मैं लेके आई हूँ ना, क्योंकि हम क्या होता है ना, आजकल मेट्रो को ना सबसे पहले रखते हैं, यानी प्राइमरी हम मेट्रो को रखते हैं, बिकॉज मेट्रो हमें ना जाम से छुटकारा पहुंचाता है और टाइम से अपनी अपनी जगह पे हमें पहुंचा देता है। और सोचिए, अगर मेट्रो स्टेशन आपके घर से बहुत ही नजदीक हो तो कितनी अच्छी बात होगी ना। तो आज आपके लिए मैं एक ऐसा ही फ्लैट लेकर आई हूँ जो मेट्रो स्टेशन से ना सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे है, यानी कि मॉर्निंग में ना वॉक करते करते अपने मेट्रो स्टेशन पे पहुंच सकते हैं। तो मिल गया ना आपको जाम से छुटकारा, तो इस फ्लैट को छोड़ने का कोई फायदा ही नहीं बनता आपको। तो फटाफट ना इस पूरे के पूरे फ्लैट का आप मेरे साथ लीजिए टूर, और देन उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आइए, नमस्ते दोस्तों, मैं शिल्पी श्रीवास्तव कैमरामैन आशीष के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल होम फॉर सेल में। मैं आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ 55 गज में बना हुआ 2 BHK का फ्लैट, जहाँ मिल जाती है आपको बहुत सारी फैसिलिटीज। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस फ्लैट से ना मेट्रो स्टेशन सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे आपको मिल रहा है। साथ में इस फ्लैट में आपको मिल जाती है लिफ्ट की फैसिलिटी, कार पार्किंग की फैसिलिटीज, और हमेशा की तरह हम आपको 90% तक का फाइनेंस की फैसिलिटीज तो देते ही देते हैं, यानी कि अगर आपको ये फ्लैट लोन पे चाहिए तो बहुत ही इजीली आप ले सकते हैं। साथ में ना मैं बात करूँ अगर इस पूरे के पूरे फ्लैट की, तो इस पूरे फ्लोर पे आपको मिल जाता है 4 यूनिट। बैक में आपको 2 BHK का मिल रहा है, फ्रंट में आपको 2 BHK का मिल रहा है। तो सारे फ्लैट ना आपको सिमिलर मिल जाते हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, चाहे वो बैक का फ्लैट हो चाहे वो फ्रंट का फ्लैट हो। तो ये वाला फ्लैट आपको मिल जाता है फ्रंट में। और सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे अभी तक लगी है ना, मेट्रो से इतना पास नवादा मेट्रो स्टेशन 50 मीटर की दूरी, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस में, यार सुपर्ब है, क्योंकि जाम से ना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से छुटकारा मिलने वाला है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ ना चलिए स्टार्ट करते हैं इस लिविंग एरिया से। वेलकम। तो ये है आपका एंट्रेंस, एंट्री करते ही आ जाता है आपका ये ब्यूटीफुल सा लिविंग एरिया, जैसा कि आपने देखा। यहाँ से एंट्री करते ही आपका स्टार्ट होता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में पहले ना हम बात कर लेते हैं फ्लोरिंग की। तो आप फ्लोर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे व्हाइट कलर के टाइल्स का काम किया गया है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का टाइल्स आपको यूज हो जाता है। इस लिविंग एरिया का इतना साइज है कि आप यहाँ पे ना आराम से इतना बड़ा सोफा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आपको 8 सीटर सोफा ऑलरेडी लगा के दिया है। कितना बड़ा सोफा हम आपको लगा के दे रहे हैं, एक सोफा है, दो पफ भी है, बीच में आपको कॉफी टेबल भी मिल जाता है, देन उसके बाद भी ना आपको यहाँ पे इतना सारा स्पेस मिल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग पूरा लिविंग एरिया ना बिल्कुल कम्प्लीट है। साथ में ना आजकल हम आपको सिर्फ एक साइड वॉलपेपर नहीं लगा के देते, हम आपको दोनों साइड वॉलपेपर लगा के देते हैं, जिसके कारण आपके घर की खूबसूरती ना बनी रहे। आप देख सकते हैं दोनों साइड आपको वॉलपेपर मिल रहा है, बहुत ही प्यारा सा फ्लावर का वर्क किया गया है, ये व्हाइट फ्लावर बनाए गए हैं वॉलपेपर पे, बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और सबसे प्लस पॉइंट, वॉशेबल वॉलपेपर हम आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। साथ में यहीं पे हम ऊपर आपको दे देते हैं स्प्लिट एसी के लिए वायरिंग, यानी कि आपको बस अपना एसी लाना है और यहाँ पे फिट करना है, सारी झंझटें आपको वहीं छोड़ के आनी है, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी सब कुछ करवा के दे रहे हैं।
यहाँ मिल जाता है आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का स्विच बोर्ड और साथ में आप एक पहले झलक देखिए सीलिंग की, तो आप सीलिंग देख सकते हैं, सीलिंग कितनी अमेजिंग है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया गया है सीलिंग के ऊपर। सीलिंग को बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। आपको मिल जाता है वुड का दोनों साइड पे पैनल, साथ में बहुत ही अमेजिंग सा डिजाइन दिया गया है और ये बीच में जो ये फैन लगाया गया है ना, ये झूमर वाला फैन, ये भी बहुत यूनिक है। नॉर्मली जो इसके नीचे लाइट्स होती हैं वो बहुत पुराने जमाने के लगाई जाती है, लेकिन हमने यहाँ पे आपको बिल्कुल अलग तरीके की लाइट्स लगा के दिए हैं आपके फैन के ऊपर, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। साथ में हम सीलिंग पे आपको दे रहे हैं LED लाइट्स, फॉग लाइट्स, इसके साथ आपका लिविंग एरिया कंप्लीट होता है। तो इस साइड अगर आप देखोगे तो हमने एक छोटा सा कॉर्नर निकाल रखा है जिसपे आपको स्पेस मिल जाता है कुछ भी सामान रखने का। यहाँ पे हम आपको बहुत ही प्यारे से गणपति बप्पा दे रहे हैं और साथ में आपको मिल जाता है यहाँ बहुत ही बड़ा सा स्पेस जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। नीचे आपको ड्रॉल्स मिल रहे हैं जहाँ पे अपना कोई भी सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। साइड में साथ में पूरे पैनल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरती से इस पैनल को डिज़ाइन किया गया है। ऊपर भी आपको एसेसरीज मिल रही है बहुत सारी और साथ में ना जो टास्क फोकस लाइट लगाई गई है वो बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ पे भी ना हम आपको डिजाइन दे रहे हैं जो बहुत प्यारा लग रहा है और उसके ऊपर आपको देते हैं हम फोकस लाइट, तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग सा वर्क है। साथ में मैं अगर इसकी बात करूँ तो व्हाइट कलर का है, वुड का काम किया गया है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। इस जो लाइनिंग हमने डिजाइन एसेसरीज रखने के लिए दी है वो बहुत ही यूनिक तरीके की आपको दी है। तो आपने देखा ये लिविंग एरिया बहुत ही खूबसूरत है, इसी से अटैच आपको मिल जाता है इधर आपका मॉड्यूलर किचन। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा सा किचन आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप नजदीक से देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम किया गया है और सबसे बड़ी बात बहुत स्पेशियस किचन आपको मिल रहा है। आप आराम से यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होकर कुकिंग कर सकते हैं और साथ में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे अल्ट्रा हाइड्रोलिक्स के ड्रॉल्स और साथ में उसके ऊपर जो आपको मिल रही है फोकस लाइटिंग वो बहुत ही प्यारी बहुत ही अमेजिंग लग रही है। आप देख सकते हो बहुत अच्छा स्पेस होने के कारण ना आपको यहाँ बहुत सारे कैबिनेट्स मिल जाते हैं नीचे अपना सामान रखने के लिए। यहाँ पे हम आपको सामान रखने के लिए बहुत सारे ड्रॉल्स दे रहे हैं जिसमें आप बर्तन रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आपको सारे के सारे ड्रॉल्स मिल रहे हैं, प्लस अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो बहुत ही प्यारा है। नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं, यानी कि आपको कुछ भी सामान रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, प्लस कलर बहुत ही अच्छा है, मैट की फिनिशिंग दे रहा है ये पूरे के पूरे आपके किचन को। साथ में ना इधर भी ऊपर आपको बहुत सारे ड्रॉल्स मिल जाते हैं और इसके अंदर भी आपको मिल जाते हैं पार्टीशन जिसके अंदर आप कोई भी सामान रखोगे तो बहुत ही अच्छे से वो आपको दिखने वाले हैं कि आपने कहाँ पे क्या सामान रखा है, सब कुछ सेपरेट होने वाला है, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा आपका कोई भी सामान। साथ में इधर हम आपको देते हैं मिरर वाला, यानी कि अगर आप कुछ ऐसी चीजें रखना चाहते हैं जो सामने दिख जाए एकदम से तो आप यहाँ रख सकते हैं। साथ में इसके अंदर पार्टीशंस किया गया है और सबसे प्लस पॉइंट हम इसके ऊपर जो आपको यहाँ पे पूरी तरह फोकस लाइट लगा के दे रहे हैं जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ हम आपको ऑलरेडी चिमनी लगा के दे रहे हैं जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी की आपको मिल जाती है। अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग भी यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा रखा गया है, प्लस सीलिंग में भी आपको मिल जाता है LED लाइट्स, कॉब लाइट्स जो बहुत ही प्यारी लग रही है आपने देखा है। साथ में ना आपको इस साइड आपको मिल जाता है आपका सिंक एरिया, यानी कि अगर आपको बर्तन धोने हैं तो यहाँ पे आप धो सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे हम आपको बर्तन धोने के लिए दे रहे हैं। साथ में ना हम आपको RO भी लगा के दे रहे हैं, यानी कि सारे झंझटों से आपको बिल्कुल छुटकारा मिलने वाला है, हम आपको RO भी लगा के दे रहे हैं। और इस साइड हमने आपको उस खूबसूरत दिखाने के लिए कुछ कमी ना रहे इस साइड बहुत ही प्यारा सा हम आपको काम करके भी दे रहे हैं जस्ट इससे पीछे बैक में। तो इसके साथ साथ आपका किचन हो जाता है कंप्लीट और इसी लिविंग एरिया से अटैच आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम। तो आइए एक झलक देखते हैं आपके कॉमन वॉशरूम की। लेके चलती हूँ आपके मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये आपका मास्टर बेडरूम है, बहुत ही अच्छा स्पेस है इस पूरे रूम में। सबसे बड़ी बात यहाँ हम आपको लगा के दे रहे हैं 6x6 का बेड जो बहुत ही बड़ा है, यूज है। साथ में आजकल कुशन वाले बेड बहुत ट्रेंड में है तो यहाँ पे हम आपको कुशन दे रहे हैं जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हम आपको बेड दे रहे हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे तो ये बेड बहुत एक्सपेंसिव आता है,
तो हम आपको सेम वैसा ही बैट यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। साथ में अगर मैं वॉलपेपर की बात करूं तो मैट फिनिशिंग है, बहुत ही अच्छे फिनिशिंग का वॉलपेपर लगाया गया है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, वो तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। ऊपर से मैट कलर है इसलिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस कलर को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बहुत ही प्यारा है साइज। साथ में जो ये लाइन बीच बीच में गोल्डन कलर की लाइनिंग आपको मिल रही है वो तो चार चांद लगा रही है वॉलपेपर पे, तो आप देख सकते हैं वॉलपेपर बहुत ही अमेजिंग है। फ्लोरिंग सेम रखी गई है लिविंग एरिया की हो चाहे रूम की हो, बिकॉज कुछ कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखे हमें काम करना पड़ता है। साथ में अगर मैं बात करूँ इस साइड आपको मिल जाता है वॉल ड्रॉप, जहाँ पे आप रख सकते हैं अपना सारा आपका सारा सामान, तो यहाँ पे भी वॉल ड्रॉप है। साथ में बड़ा स्टोरेज हम आपको यहाँ पे भी दे रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा बड़ा सामान हो आपका, सूटकेस वगैरह हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। साथ में इस वॉल ड्रॉप के ऊपर भी हम आपको लगा के दे देते हैं फोकस लाइट, सबसे प्लस पॉइंट है। साथ में इस साइड आपको मिल जाती है बहुत बड़ी सी विंडो, और ऊपर हम आपको दे रहे हैं विंडो एसी के लिए स्पेस, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा आपको यहाँ पे ये विंडो मिल जाता है। साथ में दो विंडो है, या बाहर आपको जाली वाला मिल जाता है, उसके अंदर आपको मिल जाता है मिरर वाला, और इस साइड आपका मिल जाता है आपको बालकनी। तो आइए पहले एक झलक देख लेते हैं आपकी बालकनी की। बालकनी देखा आपने बहुत स्पेसेस है। साथ में इस साइड आपको मिल रहा है आपका टीवी पैनल जो अच्छा है, बहुत ही क्वालिटी का है। अगर मैं वुड की बात करूं तो सच में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वुड यूज किया गया है। साथ में हम आपको ब्राउन एंड व्हाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, यहाँ पे हम आपको स्विच बोर्ड दे रहे हैं, कुछ भी मैसी ना हो इसीलिए। साथ में ऊपर आपको मिल जाता है शोरेक, यानी कि कुछ अगर आपको सामान रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर मैं सीटिंग की बात करूँ तो सीलिंग अदर रूम से बहुत डिफरेंट रखी गई है, क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा है। सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे घर को खूबसूरत दिखाने में, तो सीलिंग पे आपको बहुत प्यारा सा डिजाइन मिल रहा है। कॉब लाइट्स मिल रही है, एलईडी लाइट्स मिल रही है, और साथ में हम आपको फैन ऑलरेडी लगा के दे रहे हैं। और सबसे प्लस पॉइंट इस रूम में मिल जाता है आपका आपका अटैच वॉशरूम। तो आइए एक झलक देखते हैं आपके वॉशरूम। ये देख लिया आपने आपका अटैच वॉशरूम, और वॉशरूम के जस्ट बेड के जस्ट बीच में आपको मिल जाता है आपका एक साइड टेबल जो बहुत ही बड़ा है। हमने स्टोर के लिए बनाया है, कुछ आपको स्टोर करना है उसके अंदर तो आप कर सकते हैं, यानी हमने साइड टेबल भी आपको दिया है। तो ये था आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम। अब मैं आपको लेके चलती हूँ सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो ये है आपका सेकेंड बेडरूम, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बड़ा बेडरूम है। यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टोरेज मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको वेंटिलेशन की ना कोई कमी नहीं होने वाली है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी विंडो आपको इस रूम में भी मिल जाती है, और साथ में ऊपर हम आपको दे रहे हैं विंडो एसी के लिए स्पेस। साथ में दो तरीके के यहाँ पे हमने जाली वाला मिलते हैं, यहाँ बाहर आपको जाली वाली विंडो मिल जाती है, उसके अंदर आपको मिल जाती है मिरर वाली, तो दोनों तरीके की विंडो हम आपको लगा के दे रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी सी विंडो है। साथ में यहाँ आपको आराम से बहुत ही बड़ा सा बेड मिल जाता है, अगेन कुशन वाला है, आपको वहाँ पे भी कुशन मिल रहा है, इस साइड भी कुशन मिल रहा है, तो बहुत ही बड़ा सा बेड है, बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया गया है इस बेड को। साथ में ना अगर मैं इस साइड आऊँ तो इस साइड आपको मिल जाता है बहुत ही बड़ा सा वुड की अलमीरा। जी हाँ, यहाँ पे वुड की अलमीरा आपको मिल रही है जो बहुत स्पेसेस है, वो भी स्लाइडर डोर वाली है। आजकल स्लाइडर डोर वाली अलमीरा बहुत डिमांड में चल रही है, तो हम आपकी डिमांड को कैसे पूरा ना करें। तो ये बहुत बड़ी सी आपको वुड की अलमीरा मिल रही है, साथ में यहाँ बहुत बड़ी बड़ी विंडो स्टोरेज रखने स्टोरेज मिल रहा है आपको। अगर आपको कोई बड़ा सामान रखना है तो आप यहाँ पे इजिली रख सकते हैं। ऊपर आपको मिल रही है अगेन फोकस लाइट, और साथ में इस साइड आपको मिल जाता है आपका ड्रेसिंग। आप देख सकते हैं फुल मिरर मिल रही है आपको, ड्रेसिंग बहुत ही बड़ा मिल रहा है, मिरर बहुत ही लॉन्ग है। साथ में नीचे हम आपको स्पेस भी दे रहे हैं, अगर आपको अदर सामान कुछ भी रखना है, मेकअप रखना है, आप यहाँ पे इजिली रख सकते हैं। और साथ में मेरे को ड्रेसिंग एरिया बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि स्पेस बहुत ही अच्छा है आपके ड्रेसिंग एरिया के पास, आप आराम से यहाँ खड़े होकर रेडी हो सकते हैं। साथ में एक झलक आप पहले हमारे वॉलपेपर की अगर देखें तो हमने ना वॉलपेपर बहुत सिंपल रखा है इस रूम का, कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए रखा है, बहुत ही प्यारा सा वॉलपेपर है। साथ में व्हाइट और गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा लग रहा है, और इसके अंदर ना
आपको स्पार्कल्स मिल जाते हैं जी। इस वॉलपेपर के अंदर स्पार्कल्स है, आप जब विजिट करोगे तो आपको दिख जाएगा, बहुत ही प्यारा सा आपको वॉलपेपर यहाँ पे मिल रहा है। साथ में आपने देख लिया पूरा का पूरा रूम जो बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। तो अब ऊपर चलते हैं सीलिंग की तरफ, तो आप सीलिंग देख सकते हैं, मैंने कहा था अदर रूम से बहुत हमने हटके रखा है सीलिंग, हर एक रूम की चाहे वो लिविंग एरिया क्यों ना हो, बहुत ही प्यारे से एलईडी लाइट्स के कॉब लाइट्स के काम किए गए हैं। साथ में टास्क लाइट भी आपको अलमीरा के ऊपर मिल रही है, जिसके कारण ना इस रूम में रोशनी बहुत है, आपको इस कमरे में रोशनी की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो ये था आपका सेकेंड बेडरूम जैसे कि आपने देखा। इसके साथ साथ अगर हम शॉर्टकट में एक बार फिर से पूरी की पूरी फ्लैट की अगर इन्फॉर्मेशन ली, प्लस पॉइंट में बार बार जो बोल रही हूँ, मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे आपको ये फ्लैट मिल जाता है, वो भी नवादा मेट्रो स्टेशन मिल रहा है आपको। ब्लू लाइन की कनेक्टिविटी है, यानी कि ना यहाँ से ना आपको चाहे नोएडा जाना हो, लक्ष्मी नगर जाना हो, या फिर सीपी जाना हो, गाजियाबाद जाना हो, सब चीज बहुत ही अच्छे से आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ना ब्लू लाइन की कनेक्टिविटी से ना कहीं पर भी जाना बहुत ही ईजी हो जाता है। साथ में अगर मैं बात करूं तो इस फ्लैट में आपको मिल जाती है कार पार्किंग, लिफ्ट की फैसिलिटी, और साथ में आपको हम हमेशा की तरह फाइनेंस की फैसिलिटी सो दे ही रहे हैं, और साथ में वेंटिलेशन की तो कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा वेंटिलेशन की बात होती है कि हम मैम क्या इस फ्लैट में वेंटिलेशन होगा या नहीं होगा। तो इस वाले रूम में ना आपको वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होने वाली है, दोनों रूम में आपको बड़ी बड़ी विंडो मिल रही है, साथ में फ्रंट का फ्लैट है और साथ में बालकनी है, तो जाहिर सी बात है कोई वेंटिलेशन की आपको कमी नहीं होने वाली है। साथ में 55 गज में बना हुआ 2 BHK का फ्लैट है, बहुत स्पेशियस फ्लैट है और बहुत ही प्यारे कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ डिजाइन किया गया है। तो इन सभी के साथ मुझे नहीं लगता है इस फ्लैट को छोड़ने की जरूरत पड़ती है आपको, तो फटाफट नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए और इस घर को अपना बना लीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन कॉल का, और नंबर डायल करते करते ना आप हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अपने नियर डियर फ्रेंड्स फैमिली को कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर, क्योंकि आप ना लो तो कोई ना कोई तो लेगा ही, ऑफकोर्स आपको कोई ना कोई आपको कहता होगा यार हमें फ्लैट चाहिए, हमें ऐसा फ्लैट चाहिए, ऐसा फ्लैट चाहिए, आपके घर में हमेशा फ्लैट लेने के लिए सब रेडी रहते हैं, तो आप सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और साथ में फटाफट ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आगे कैसे फ्लैट चाहिए, आपको क्या क्या डिजाइन चाहिए, हम उसे वर्क करेंगे, और देन उसके बाद आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से फ्लैट लेके आएंगे हमेशा की तरह। तब तक के लिए आप हमें कीजिए कॉल, और मैं मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।